पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा। वो खिलाड़ी चाहिए जो वसीम भाई जैसा दिन में 25-30 ओवर डालते थे, नया बॉल में तेज, पुराना बॉल में तेज, चार ओवर से प्लेयर नहीं बनते। गांगुली का इंटरव्यू सुना, उसने कम लफ्जों में सब कुछ प्लेन कर दिया। जब वो बात करता है तो बड़ी क्लियर करता है और उसका उसको पता होता है कि वो क्या कह रहा है। आई मीन सच अ गुड स्पीकर। जो आप बात कर रहे हैं ना कि कोई भी आपकी क्रिकेट अननोटिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। पहले पाकिस्तान के सब दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी कांटेक्ट होता है वैसे मीडिया से या खेलने के समय, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अभी भी 2003 का वो सफ़र, 2004 का सफ़र अभी भी याद है। क्या टूर था, हम गए थे 3 टेस्ट और 5 वनडे के लिए। बहुत बढ़िया सफ़र था और वो यादें अभी भी मेरे साथ है। वसीम भाई हैं, मिसबा हैं, शोएब हैं और मोइन खान है। मोइन खान तो इतना बूढ़ा हो गया है, अरे सफ़ेद हो गए उसके बाल, थोड़ा सा कलर कर लो मोइन, हमारे जैसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वसीम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घर में है, क्योंकि उनका ऐसा लगता था उनका पैर के नीचे रोलर स्केट्स ही लगा हुआ है। कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी इंग्लैंड, कभी पाकिस्तान, कभी साउथ अफ्रीका। शुक्र है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे। बच्चे भी उनके बड़े हो गए। मैं देखता हूँ उनका बेटे का फ़ोटो इंस्टाग्राम में, उनसे भी ज़्यादा हैंडसम है। उनको बोलना, मैंने कहा है बेटे का फ़ोटो मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगा इन सबको देख कर। मैं उनका शो फॉलो भी करता हूँ। और वसीम भाई जो बीच बीच में डांटते हैं ना पाकिस्तान प्लेयर्स को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत खुशी हुई आप सबसे बात करने के लिए। जो अभी इंडिया की रीसेंट सक्सेस आई है, आप भी BCCI के प्रेसिडेंट रहे, बड़ा अच्छा दौर गुजरा, क्या इट्स डाउन टू IPL या और कुछ के सिस्टम में पैसा आया? नहीं, सिर्फ IPL नहीं, IPL अकेला ये टर्न अराउंड नहीं करा सकता, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी 4-5 डे क्रिकेट में ही बनता है। ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलोगे तो मीडियोक्रिटी आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलो T20, पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा। वो खिलाड़ी चाहिए जो वसीम भाई जैसा दिन में 25-30 ओवर डालते थे, नए बॉल में तेज, पुराना बॉल में तेज, चार ओवर से प्लेयर नहीं बनते। वी सीन कैसे पाकिस्तान, हमने बताया भी था कि मैं एशिया कप से नोट कर रहा था प्रॉब्लम्स, मिसबा स्पोक इन लैंड, सो डिड शोएब, सो डिड मोइन। So yeah, now it's time to come back and learn and start again. And jo galtiyan hui hain, again we said there's no short term solution, there are no shortcuts. Ab ise system theek karenge, koi system karenge, koi. To mere hisab se sirf IPL nahi, pura infrastructure hamara bahut hi acha hai. Itne matches hote hain, itne khiladi hain, paisa to hai Indian cricket mein. Wo hum lucky hain, khushkismat hai ki main dekha hu 3 saal board president ke samay ki tender kholne ki zarurat nahi hoti कि इतने लोग आके देते हैं, तो वो एक है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो मनी राइट डायरेक्शन पे यूज़ होता है, खिलाड़ियों के पे ऊपर यूज़ होता है। पे राइज हुआ है बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बहुत बहुत मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सीज़न शुरू होते हैं सितंबर में, ख़त्म होता है मार्च में, और उसके बाद IPL वो जाता है मई तक। तो एक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी सितंबर से मई तक क्रिकेट ही खेलता रहता है, और हर फॉर्मेट T20, 50 ओवर्स, 4-5 डे सब खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ इसी सिस्टम के लिए ये खिलाड़ी या ये टीम इतनी अच्छी बनी है। और एक जो आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि एक सिक्योरिटी है खिलाड़ी में कि खेलेंगे तो ज़िंदगी बनेगा, ये एक चीज़ है इंडिया में। आपके देश में भी बहुत टैलेंट है, मैं सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, टीम देखता रहता हूँ। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, बट टैलेंट बहुत है जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिस टीम में आपके जो बल्लेबाज रिजवान, बाबर, इमाम, जो सारे खिलाड़ी हैं, जब आप देखते हो तो लगता है कि क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ सईद अनवर, वजीम अकरम, यूसुफ युहाना, यूनिस, इंजी भाई का तो इतने स्लो, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग खेलते थे लगता था बॉल स्लो है, तो इतने बड़े प्लेयर थे। तो ये सब खिलाड़ी मैं देखा हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रॉन्ग है, खिलाड़ी बहुत है, थोड़े से एडजस्टमेंट करोगे तो वो भी भारत जैसा ही स्ट्रॉन्ग होगा। Well, firstly, truly honored that Sourav Ganguly watches our show. The great man. Dada, hi, how are you? शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, पवेलियन भी फॉलो करते हैं। वर्ल्ड कप तो गुजर गया ना, अब उस पर कितनी बात कर सकते हैं। All right, फिर जरूर कर सकते हैं ये कि नेबर्स की एग्जाम्पल लेनी चाहिए। और वो ये है, जैसे इंडिया है अभी तक मैच नहीं हारे, तो उनके सिस्टम में क्या है वो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ
how cricket is being developed in India. There are 225 analysts working for BCCI in India. Their job is to monitor the players from club levels to domestic cricket. Wow. Analysts. Analysts. 225. 225 to club cricket. Wow. And they have to पास द टेस्ट एग्जैक्टली बीसीसीआई के टेस्ट हैं वो पास करेंगे उसके आएंगे तो फिर ये आपको जॉब में आपको वो रखेंगे इधर पीसीबी में कोई टेस्ट होते हैं किसी जॉब को देने से पहले आई डाउट इट कौन सी जॉब उधर उधर जो कोच जो चेयरमैन थे टेक्निकल कमेटी के उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला उसको नहीं पता बेचारे को तो मेरा मतलब है आई मीन आई जस्ट क्यूरियस मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट होता खाली अच्छा यू हैव टू बी पूरा नहीं होता टेस्ट होता है कि फोन आया उतो तो एंड रख लो भाई दैट्स अ टेस्ट लेकिन जो आपके एनालिस्ट हैं ट्रेनर हैं जो भी आते हैं वो दे हैव टू डू अ सर्टेन एनी आईडिया हाउ मेनी एनालिस्ट एंड ट्रेनर्स वी हैव इन द पीसीबी आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स बट आपकी सारी एसोसिएशंस के साथ हैं एंड आईटीज के साथ है तो आपने कोर्सेज तो किए हुए हैं लोगों ने और वो काम कर रहे हैं पिछले कितने अरसे हैं लेकिन ऊपर वाले में जैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखते हैं ना उसी तरह हैं एनालिस्ट लेकिन वो ऊपर की टीम्स के साथ हैं बस अच्छा ये जैसे क्लब क्रिकेट से वो शुरू हो रहा है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है